टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड को भारतीय गेंदबाजों से लगा डर। इस भारतीय गेंदबाज से है कीवी टीम को सबसे बड़ा खतरा। कहा, इस गेंदबाज पर देना होगा सबसे ज्यादा ध्यान। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। टी20 सीरीज में हमने क्लीन स्वीप किया, तो वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड ने पलटवार करते हुए भारतीय टीम का क्लीन स्वीप करके करारा जवाब दिया। लेकिन अब बात टेस्ट की है और इस सीरीज को लेकर दोनों टीमें कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन भारतीय टीम की गेंदबाजी पर इस वक्त काफी सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर अगर बुमराह की बात करें तो बात हो रही है कि बुमराह फॉर्म में नहीं है, तो उनका साथ अब कौन देगा। लेकिन अब वनडे में न्यूजीलैंड की टीम के जीत के हीरो रहे रॉस टेलर ने भारतीय गेंदबाजी पर बड़ा बयान दिया है। खास बात यह है कि रॉस टेलर ने जिस गेंदबाज की बात की वो बुमराह या शमी नहीं है, बल्कि कोई और गेंदबाज है। दरअसल टेलर ने कहा कि न्यूजीलैंड टीम को बुमराह नहीं बल्कि भारतीय टीम के सबसे लंबे गेंदबाज, यानी कि आप समझ गए होंगे, ईशांत शर्मा से सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि जब से ईशांत को टीम में शामिल किए जाने की घोषणा हुई है, तब से न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली सी मच गई है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर का मानना है कि उन्हें लगता है कि ईशांत शर्मा भारतीय तेज गेंदबाजी को सबसे अलग आयाम देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ बुमराह से निपटने पर ध्यान लगाएगी तो दूसरी तरफ से ईशांत शर्मा उन्हें काफी परेशान करेंगे। अपने 100वें टेस्ट से पहले रॉस टेलर ने कहा कि मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ बुमराह पर ध्यान लगाएंगे तो हम मुश्किल में होंगे। मुझे लगता है कि पूरा गेंदबाजी लाइनअप ही शानदार है। निश्चित रूप से ईशांत का टीम में वापसी करना टीम में नए आयाम जोड़ेगा। वैसे आपको बता दें कि ईशांत को पिछले महीने रणजी ट्रॉफी के दौरान टखने में चोट लग गई थी और वो इससे उबरने के बाद भारतीय टीम में लौटे हैं। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो ईशांत पिछले 2 सालों में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ईशांत ने 15 टेस्ट मैचों में महज 19.53 के औसत से 58 विकेट झटके हैं। बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच में तो उन्होंने 78 रन देकर 9 विकेट झटक लिए थे। लेकिन अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में भी ईशांत शर्मा ने 5 टेस्ट मैचों में 23 विकेट अपने नाम किए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि न्यूजीलैंड ने जो रणनीति बुमराह के खिलाफ वनडे मैचों में बनाई थी, अब उनकी वो रणनीति फेल हो जाएगी। क्योंकि अगर न्यूजीलैंड की टीम टेस्ट में बुमराह को टारगेट करेगी तो उन्हें ये याद रखना होगा कि अब टीम इंडिया के पास शमी भी होंगे और ईशांत भी। रॉस टेलर ने कहा कि उनके पास विश्व स्तरीय बल्लेबाजी लाइनअप मौजूद है और हमें इससे भी निपटना होगा, लेकिन वे इसी कारण से ही दुनिया की नंबर एक टीम भी हैं और हम जानते हैं कि हमें उनके खिलाफ सफल होने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करना होगा। वैसे भारतीय टीम के लिए विराट कोहली की खराब फॉर्म भी एक चिंता का विषय है। साथ ही टीम में केएल राहुल नहीं है और रोहित शर्मा भी नहीं है, तो नौजवान खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेकर खेलना होगा। साथ ही पुजारा और रहाणे को भी इस सीरीज में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाना होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या भारतीय गेंदबाज टेस्ट सीरीज में मजबूती से वापसी करेंगे? वनडे की हार को भूलकर क्या भारतीय गेंदबाज टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड को हराएंगे? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।